नमस्कार दोस्तों, मैं दशरथ जांगिड़ स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जेबी इंटीरियर्स पे। दोस्तों आज हम आए हैं राजस्थान के सीकर ज़िले के खंडेला क्षेत्र में, जो नगर पालिका है। और यहां पे जो कहा जाता है कि मुग़ल काल के दौरान ये औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, और यहां पे काफ़ी सारे जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, किले हैं और छतरियाँ हैं, और भी जो बावड़ियाँ बनाई हुई है उनके बारे में, मतलब काफ़ी फेमस एरिया है। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो यहाँ के जो राज परिवार है, आज़ादी के पहले काफ़ी राजवंशों ने यहाँ पे राज किया था, लेकिन आज़ादी के पूर्व जो यहाँ के राजवंश थे, राजपूत वंश, उनके जो यहाँ पे महल है रायसल जी का, और उन्होंने उस गढ़ को एक होटल में कन्वर्ट कर रखा है और एक हॉस्पिटल भी एक अंदर बना रखा है चैरिटी पर्पज के लिए। तो उनके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, और जो महल को होटल में किस तरीके से उन्होंने कन्वर्ट किया है वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के थ्रू आज बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो ये इसके दो पार्ट बताते हैं, एक तो जैसे छोटा पाना होता है, एक बड़ा पाना। तो बड़ा पाना एक वीडियो, उसका दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो छोटा पाना है, जो रायसल जी का खुद की प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी है, और उसको उन्होंने होटल में और हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया हुआ है गढ़ को, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं हम यहाँ पे, जो हमारे साथ में जुड़ेंगे अभी। सर आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी है। सुरेंद्र जी हमारे साथ है इस वीडियो में, और सारी जो जानकारी है इसके बारे में सुरेंद्र जी से हम लेंगे और आपको बताएंगे। तो सुरेंद्र जी, ये जो गढ़ है तो ये कितने एरिया में फैला हुआ है लगभग, और इसके जो अलग अलग, जैसे ये धीरज पोल लिखा हुआ है, तो एक अंदर भी मतलब अलग अलग द्वार बने हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये मैंने खंडेला महल का मैन दरवाज़ा है, धीरज पोल नाम है इसका। अंदर दो दरवाजे हैं, सज्जन पोल और जेतू पोल। अच्छा। तो अंदर एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया हुआ है, एक पार्ट है होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। डॉक्टर साहब की ये निजी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, ये उनकी निजी प्रॉपर्टी है, मतलब इस पे सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अभी जो रायसल जी है वो कौन सी पीढ़ी में है? 18th generation, 18वीं पीढ़ी में है। ठीक है, ये इनसे पहले थे। जी, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। सर, ये जो विलीज की इतनी सारी गाड़ियाँ है, ये मतलब किस लिए, यूज़ के लिए या केवल शोपीस के लिए खड़ी कर रखी है? ये सर हम जीप सफारी के लिए रखते हैं। हमारे जो टूरिस्ट आते हैं उनको हम जीप सफारी करवाते हैं। यहाँ से एक वैली जाती है, हमारा फार्म है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ तक ये जीप सफारी जाती है। इससे आगे सकराय का डैम है, वहाँ तक टूरिस्ट घूम के आते हैं। तो ये यहाँ पे मतलब जो वैली है, वैली में कुछ जो जानवर है तो वो देखने को मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं, और बर्ड्स की फोटोग्राफी होती है, काफ़ी सारे बर्ड्स दिखते हैं वहाँ पे। अच्छा। और वैली बड़ी इंटरेस्टिंग वैली है, चारों तरफ से हरियाली इस तरह से। तो दोस्तों ये आपको एक एडवांटेज मिल सकता है यहाँ होटल में आने का, और उसके साथ ही आपकी एडवेंचर जो ट्रिप होती है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो विलेज की पुरानी कार है, गाड़ियाँ हैं, उनमें घूमने का एक अलग ही निराला अंदाज होता है अपने आप में।
ये हम होटल के जो मेन एंट्रेंस है दरवाजे, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा जेतपोल के नाम से, जो रायसल जी के दादाजी हुआ करते थे, उनके नाम पे ये गेट दरवाजा है। ये दरवाजा आपको दिख रहा होगा काफी पुराना है, जो पुराने महलों में जैसे ये दरवाजे लकड़ी के बने हुए होते हैं। ये जो भी रिसेप्शन का एरिया है, यहाँ पे ऑफिशियल जो भी वर्क होता है अपना, जैसे आईडीज लेना, गेस्ट के एंट्री चेक इन करवाना, ये सारा काम यहाँ पे होता है ना। ये जो घड़ी दिख रही हाँ, है, ये घड़ी है, इसमें 5 प्रकार की घड़ियाँ हैं इसके अंदर। अच्छा, आप आराम से कैमरा दिखाइए, ये मेन घड़ी है वो तो इंडियन है, हाँ, इसके अलावा एक हांगकॉन्ग की है, एक टोक्यो की है और एक न्यूयॉर्क की, एक लंदन की। इस तरह से 4 घड़ियाँ जो छोटी हैं ना, हाँ, ये चारों भी रन हैं। ओके। हाँ, तो ये घड़ी मतलब कितने टाइम पुरानी है? ये उसी टाइम की है सब, अच्छा, मतलब एक घड़ी में पाँच पांच हाँ जगह का टाइम अपने को 5 जगह का बता चल रहा सकते है। हाँ, हैं। इंटरेस्टिंग। दोस्तों, ये आपको पेंटिंग नज़र आ रही होगी, ये पेंटिंग भी एंटिक पीस है जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है। ये जो धागा होता है, धागा की बुनाई करके फिर बनाई हुई है। एक ये पीस आपको दिख रहा होगा, ये वर्जिश के लिए काम में लिया जाता है। आजकल तो काफ़ी सारे जिम खुल गए, लेकिन पहले ऐसे ही हुआ करते थे। ये भी उसी टाइम के जो पुराने आइटम है, कुछ हथियार है और कुछ मूर्तियां हैं और कुछ सिंबल बने हुए हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले अपन कॉमन एरिया देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ। हमारे दो दो कैटेगरी के रूम हैं, डिलक्स और सुपर डिलक्स। इसके बाद में आपको डाइनिंग और ऊपर के एरिया जो भी हैं वो सारे दिखा देता हूँ। ये काफ़ी एंटिक पुरानी कृष्ण जी की मूर्ति है, ऊपर जो लगी हुई है डाल, और इधर ये ब्रिटिश टाइम के सिक्के हैं। ये डॉक्टर साहब का कलेक्शन है, इन्होंने कलेक्ट करके रख रखा है। ऊपर जो लगा हुआ है ये पिंजरा है तोते का। ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये जो राजा लोग आपस में बैठ के और मीटिंग करते थे उस टाइम की हैं। ये सारी पिक्चर वही हैं, पुराने टाइम में इस तरह से बैठ के मीटिंग किया करते थे। ये इंडोर हमने क्रेम लगा रखा है बच्चों के लिए, ये पालना है बोलते हैं इसको, बच्चों को झुलाने वाला पालना इसको बोलते हैं। ये फैन उसी टाइम का पुराना है, ये तलवार है। ये जो लगे हैं ये मुगल टाइम के कॉइन्स हैं, और खंडेला काफ़ी पुराना है। ये जो दिख रहा है 2600 साल पुराना सिल्वर कॉइन है, और राम लक्ष्मण सीता वनवास गए थे उस टाइम का है ये। ये जो पीछे का एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो इसमें तीन तीन मूर्तियाँ दिख रही हैं राम लक्ष्मण सीता की, और ये पीछे वनवास का एरिया है। तो ये इस तरह से पता चलता है कि 2600 साल पुराना तो अपने पास प्रूफ है।
कंडेला का। ये सारे एंटिक्स हैं, और ये जो लकड़ी का बना हुआ ना, इसमें राजा लोग सिगरेट रखा करते थे। सिगरेट होती थी, फिर इसको जैसे ही दबाया सिगरेट एक निकल के आ जाती थी। इस तरह से बना हुआ है ये। नीचे ये पुराने लोक्स हैं। हाँ, ये लोक का, ये मटका है जिसमें स्टोक रखा करते थे। ये 2000 साल पुराना मटका है जिसमें अनाज का स्टोक रखा करते थे। ये हुक्के हो गए, और इसके अंदर एक वो है अपना अमेरिकन म्यूजिक है जो राउंड में घूमता है ना, अमेरिकन वो वाला। राजाओं की जो जन्मपत्री होती थी वो इस तरह से होती थी। ये जन्मपत्री है, ये थाल रखने के लिए जो रखते थे कवर करने के लिए खाने को। ये वेट्स हैं, और इसको बोलते हैं ताम्र पत्र। ये तांबे का है ना, इसको ताम्र पत्र बोलते हैं। आजकल तो रजिस्ट्री हो गई, पहले जैसे राजा महाराजा किसी को कुछ देते थे ना जमीन नगवारा, तो ये ताम्र पत्र लिख के, ये रजिस्ट्री यही थी पहले वाली। इसके अलावा ये चौपड़, ये परफ्यूम की बोतल है पुरानी, सेंट वगैरह, इत्र वगैरह। हाँ, इत्र वगैरह। ये शतरंज, ये शतरंज, शतरंज वो? ये तो दीपक के लिए जो रखते थे ना एंटिक, अभी पुराने हैं। काफी पुराने हैं। ये तो बॉक्स है उसी टाइम का है। हाँ, सब एंटिक सारा। अब हाँ, ये डॉक्टर साहब के छोटे बेटे हैं, छोटे बना, ये बड़े बेटे हैं, इनको बड़े बना। ये डॉक्टर साहब खुद की, हाँ, फिर इससे आगे चलेंगे आप जैसे ही। तो ये इनके पिताजी, इससे आगे चलेंगे तो ये इनके दादाजी, इससे आगे चलेंगे तो इनके परदादा जी, फिर इससे आगे चलेंगे तो इनके दादाजी के दादाजी। इस तरह से चलते चलते वहाँ तक ये 500 साल का इतिहास दोहराया हुआ है। और ये जो है सेम, ये ब्रिटिश पिस्टल है, ब्रिटिश पिस्टल बोलते हैं इसको। ये सब उसी टाइम के हथियार। हाँ, सारे हथियार उसी टाइम के है ना। ये कटार है। हाँ, ये घड़ी है, दोनों तरफ से चलती है। दोस्तों, जो भी पुरानी चीज़ें थी, जो भी एंशिएंट चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी है। और अभी हम रूम के अंदर की जो फैसिलिटी है वो आपको हम दिखाते हैं कि रूम के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। ये हमारा महाराजा किंग रूम है।
ये महाराजा किंग रूम है। तो रूम के अंदर की जो फैसिलिटी है काफ़ी अच्छी है, डबल ऑक्यूपेंसी के साथ। अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन होता है साथ में तो एक सिंगल बेड उसके अलग से लगा दिया जाता है यहाँ। और इधर इसमें अटैच लेट बाथ भी दे रखा है इन्होंने, वो काफ़ी बड़ा साइज़ में रूम है और इसका जो लेट बाथ है वो भी काफ़ी बड़ा है। मुझे जहाँ तक लगता है देखने से कि ये जो इसकी बनावट थी पहले वो एज इट इज़ रखी गई है, इसमें थोड़ा बहुत रिनोवेशन किया गया है, जैसे टाइलें लगा दी है, वॉश बेसिन लगा दिए। बाकी जैसे दीवार से देखने से मेरे को लग रहा है कि ये दीवार आप देख सकते हो काफ़ी लंबी काफ़ी चौड़ी है, तो उसको एज इट इज़ रखा है। और ये जो आर्किटेक्चर है इसका वो भी सेम एज इट इज़ रखा है इन्होंने। ऊपर से आप देख सकते हो ऊपर की जो पट्टियाँ लगी हुई है, कोई सीलिंग नहीं है इनमें। और बाकी मॉडर्न टाइप से इनको रिनोवेट कर दिया है। और ये आपका ड्रेसिंग एरिया है, बैठ के आप मेकअप वगैरह कर सकते हो। काफ़ी जो राजा महाराजा के टाइम में हुआ करती थी वैसा ही एज इट इज़ रखा है। और रूम के अंदर की जो लाइटें हैं, लाइटें बहुत ही शानदार लगा रखी है इन्होंने। और हर रूम में इन्होंने कुछ ना कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं उनके पीसेज रखे हुए हैं फ्रेम में फिट करके। ये जो पुराने ग्लास है, बर्तन वगैरह हुआ करते थे उस टाइम के, डेली यूज करती थी राजा, वो इन्हीं में करते थे सारा काम, पूजा का है, थाल, ये जो दीपक है, ग्लास है ना, लोटे हैं। अब तो क्रोकरी कटलरी चल गई, पहले पीतल का ही था सारा सिस्टम। ये वर्किंग टेबल है, यहाँ बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये भी सेम एज इट इज़ वैसा ही है, लगभग सारे रूम एक जैसे ही होंगे यहाँ पे, डिलक्स कैटेगरी में। जो सोफ़ा सेट है, फर्नीचर है यहाँ का, काफ़ी डिज़ाइन में खूबसूरती से बना हुआ है। और ये सामने आपको उस ज़माने के कुछ हथियार हैं और क्या बोल सकते हैं, सर बताएंगे थोड़ा एक बार इनके बारे में, ये क्या है? ये सारी स्टेम है, ये तो कलमर वो है। अच्छा, लिखने की थी। और ये जो है ना, ये है स्टेम पुरानी जो बता रही थी। अच्छा, ये स्टैम्प है। हाँ, स्टैम्प, ये वाला स्टैम्प है, स्टैम्प है, ये भी स्टैम्प है। ओके, और ये कलम है। हाँ, ये पुराने सारे कलम ही है लिखने, ये कलम है लिखने की। और ये इंक पोर्ट होगा शायद, ये वाले तो हाँ, ये इंक पोर्ट होंगे है ना, इनमें इंक रखा जाता है। ये इसके बारे में, ये क्या है? ये तो चाकी वाला है। इसका बाथरूम में सेम एज इट इज़ होगा। ये दोस्तों आपको जो एक सैंपल दिख रहा होगा गाड़ी का, तो पहले के ज़माने में जो छोटे छोटे गाड़ियों के सैंपल है बना के भेजा करते थे कि इस टाइप के मॉडल है, और राजा वगैरह जो होते हैं वो सेलेक्ट करके यहाँ से भेजा करते थे, फिर उस टाइप की ये गाड़ी बन के आया करती थी। तो उस ज़माने का ये कैमरा भी है शायद, टॉर्च है। अच्छा, टॉर्च है, ये टॉर्च है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पुरानी रखी हुई है। तो दोस्तों आपको कॉरिडोर दिखा दिया और यहाँ के जो रूम्स थे डिलक्स रूम वो आपको दिखा दिए। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, डाइनिंग एरिया जहाँ पे खाना वगैरह खाया जाता है। ये तोप का है, ये दरवाजे किस लिए, मतलब यहाँ क्या बना रखा है? ये दरवाजा है सर, पुराना दरवाजा है तो उसी को लगा रखा है हमने। अच्छा, केवल दरवाजा लगा रखा है। हाँ, डोर है अंदर जाने। अच्छा,
ये उस पर प्रॉपर जो डिजाइनिंग बनी बनी हुई है, कढ़ाई कर रखी है इस पर लकड़ी पे, तो ये दरवाज़ा उसका बना के एक सिंपल पीस इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। और जो पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे, तोप है, जो लैंप हुआ करती थी उस ज़माने में, बिजली तो हुआ नहीं करती थी ओबियसली। ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर की जो फैसिलिटी है। एक बूफे टाइप में इनको सेट कर रखा है यहाँ पे, कुछ अगर टूरिस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा होते हैं तो बूफे काउंटर लगाते हैं, बाकी वरना टेबल पे शुरू करते हैं हम खाना। थोड़ा मुश्किल है, मतलब हर जगह डाइनिंग एरिया हो गया, इनके रूम हो गए, कॉरिडोर हो गया, हर जगह पे इनके जो पूर्वज हैं उनकी फोटोज लगी हुई है। ऑस्ट्रेलियन लैंप है, ऑस्ट्रेलियन लैंप जी। इसके नीचे ये ओल्ड कैमरा, यहाँ तक नीचे ये वो पाइप्स है स्मोकिंग वाली, स्मोकिंग पाइप्स। वो नीचे चलेंगे तो वो आ जाएंगी पुरानी, बहुत पुरानी पुरानी घड़ियाँ हैं ये। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक ये वीडियो शूट कैमरा है, फोटोग्राफी के लिए कैमरा है, काफ़ी अलग अलग सारे, काफ़ी पुराने भी हैं और थोड़े नए भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये घड़ियाँ जो है, घड़ियाँ भी काफ़ी पुरानी है, ये सारे फॉरेन से लाए हुए लगते हैं मेरे को, है ना? सारी बाहर से। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन लैंप, ये अभी भी जलता है सर? हाँ जलता है, अभी जलाना चाहिए तो यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कैसे वो केरोसिन वगैरह कुछ डाल के वैसे ही है? अच्छा, और ये राइसल जी की फ़ोटो है? नहीं नहीं, इनके फादर। अच्छा, इनके फादर से मिलते जुलते हैं थोड़ी शक्ल। अच्छा, ये फोटोग्राफ में मेरे को दिख रहा है कुछ, तो शिकार करते थे ना, शिकार करके खड़े हुए हैं, शिकार करने के बाद जंगल में। ये इनके पूरे परिवार की फोटो है। अच्छा, ये इनके परिवार। हाँ, तो रायसल जी लोग मतलब कितने हैं भाई हैं? ये सिंगल ही, अकेले सिंगल ही है, तो अपने पिताजी के अकेले ही हैं। ये सारी पुरानी पेंटिंग है, ये पेंटिंग्स का शौक राइसल जी को था या फिर उनसे पहले किसी सबको था? नहीं, ये तो पहले से ही था, बिहारी जी का रखते थे ना ये। ये मेरे को देखने से थोड़ा नया लग रहा है कि ज़्यादा पुराना नहीं है। करवाया है पहले, पुरानी पेंटिंग थी, उनको हमने करवाया है जूम करके थोड़ा सा। ये पुरानी ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी इनकी दादी साहब की ज्वेलरी है, काफ़ी पुरानी। हाथों के कंगन, कड़े, हार, ये स्टिक हैं, जब राजा बाहर जाते थे ना घूमने के लिए, उस टाइम पे सारी एंटिक और बाहर से परचेज की हुई हैं, बहुत ही अच्छी लकड़ी की इनकी बनी हुई है। इनके अंदर जैसे ही खोलते हैं ना तो तलवार निकलती है। अच्छा, हाँ, तो एक दिखा सकते हैं? ये खुलेगा नहीं, ये हर जगह राजा लोग क्या सेफ्टी लेके चलते थे अपनी। अच्छा, तो ये स्टिक तो है ही है, वैसे स्टिक दिखती है लेकिन जैसे ही खोलेंगे तो इनके अंदर से तलवार निकलती है। और ये वाला जो है ना, ये हाँ, ये क्या है कि ये एक तरह से कुर्सी भी है, जंगल में जाते थे तो इसको जैसे यूं नीचे धरती में लगा के और ये कुर्सी बन जाती है, इस पर बैठ के शिकार कर लेते थे या बैठ के अपना आराम कर लेते थे। ये सिल्वर की जो है बंदूक, ये बंदूक का नाम हाँ राइफल। ये मुझे लगता है यहाँ कोई पहले दरवाज़ा रहता होगा, तो दरवाजे का ऊपर का जो पोर्शन है वो रख के बाकी नीचे का फ्लैट कर दो। पत्थर के बने, अच्छा, ये बाहर की तरफ भी डाइनिंग एरिया बना के रखा है यहाँ पे, ओपन टेरेस, इधर देते हैं ना शाम को या रात को, है ना?
अच्छा, ये लैंप वगैरह भी उसी टाइम ये, की है हाँ या ये अभी? लखनऊ की लैंप है। अच्छा, लखनऊ से। ये एक फोटोग्राफ्स भी लगी हुई है यहाँ पे, फतेहगढ़ राजा जी मान सिंह जी, उनके डाइनिंग पे टेबल पे फोटो खींची हुई है। ये उस टाइम का टिफिन है, इतना बड़ा टिफिन हुआ करता था। आप सोच सकते हैं लोग कितना खाना खाते होंगे उस टाइम पे। आजकल तो मेरे ख्याल से ये एक डब्बा भी भारी पड़ जाए अगर खाने बैठे कोई तो। अच्छा, ये पानी की बोतल हुआ करती थी, और ये इसको क्या बोल सकते हैं? इसको तो वो चॉकलेट वगैरह रखते थे ना बच्चों के लिए, अच्छा, तो पात्री है ये, लकड़ी का बना ओके। हुआ है। ये काफ़ी पुराना संदूक, काफ़ी बड़ा साइज़ में, और जो लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के जो था पहले वो जो लोहे की पत्तियां थी उनको लगा कि इसको बनाया जाता इसके अंदर तिजोरी था। भी हो सकती और है। अच्छा, ये तिजोरी टाइप है, और पहले के पुराने ज़माने के लोग आप देख सकते हो काफ़ी बड़े हुए करते थे। 75 mm। नीचे टायर भी लगे हुए हैं इसमें, इसको अपन कहीं पे भी मूव कर नीचे सकते हैं, टायर ले लगा जा के सकते जाना है हैं। क्या? दरवाजे बंद कर, 105 की देख ले, ये रूम दिखा दो, डिलक्स रूम। ये डिलक्स रूम एक, और सेम एज इट इज़ लाइटिंग है जो पहले हमने आपको जो नीचे दिखाए थे दूसरे रूम में। और ये सर इसको क्या बोल सकते झरोखा हैं? बोलते हैं इसको, झरोका। बालकोनी ये का झरोखा बना हुआ है। अच्छा, झरोका तो ऐसे बालकनी पे अपन बैठ बाहर के, की अच्छा साइड में देख व्यू भी कुछ देख सकते हैं। नज़ारा देखना हो तो एक बार थोड़ा खोल कर दिखाएंगे एक बार। काफ़ी अच्छी हवा आती है झरोके से। इसको बेड में भी काम में ले लेते हैं इसको। अच्छा, सोने के लिए भी काम में ले सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा पर्सन कोई हो तो एक्स्ट्रा पर्सन को तीसरा भी पर्सन यहाँ पे सो सकता है। ये ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ बैठ के मेकअप वगैरह किसी को करना हो तो कर सकता है आराम से। और ये टेबल है, कप प्लेट वगैरह कुछ सामान वगैरह, अपना चार्जर फ़ोन वगैरह कुछ रखना हो रख सकते हैं यहाँ पे। ये 2 पर्सन के लिए बेड है। ये छोटे छोटे रोशनदान जो बना रखे हैं, ये देखने में मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सूर्य प्रकाश के लिए बना रखे हैं, कि सूर्य का प्रकाश सीधा रूम में आए ना, इसके अच्छा, लिए बना रखा है। डबल डबल विंडो के साथ हाँ एक नेट मैट वाली विंडो है वो फिक्स कर रखी है इसमें यहाँ पे, और दूसरा जो है ग्लास विंडो है। और ये एक अलमीरा टाइप है पुराने जमाने अलमीरा की, ये खोल सकते हैं सर इसको हाँ एक हाँ बार? खुल जाएगी, किधर से इधर खुलती से है? खराब अच्छा हो ये, जाएगी। वाह, इसमें एक्स्ट्रा कम्बल लगवा रहा, हीटर रूम हीटर लगवा रहा, ये रखे रहते हैं हमारे। ये सारा मुठाओं कलेक्शन करिए जान लो यार। तलवारों के हत्थे जिसमें तलवार डाली लगाई जाती थी, काफ़ी सारे कलेक्शन है अलग अलग डिजाइन्स में। किसी में सेफ्टी गार्ड भी लगा हुआ है उंगलियों का, किसी में नहीं है। दोस्तों, भी सुपर डिलक्स और डिलक्स रूम आपको दिखाए हैं, और ऊपर टेरेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा जो मैप उस टाइम पे चला करता था, उस टाइम इस टाइप के मैप हुआ करते थे। स्टेयर में भी इन्होंने अपने जो पूर्वज हैं उनकी फोटोज लगा रखी है। ये उस टाइम के भाले हुआ करते थे।
अगर टूरिस्ट यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ टेरिस पे बैठा के भी उनको भोजन सर्व किया जाता है, खाना खिलाया जाता है। ये भी एक डाइनिंग एरिया के रूप में उनको काम में लेते हैं। ये आपको सामने नज़ारा दिख रहा होगा खंडेला शहर का, सामने ऊंचे पहाड़ काफ़ी, और इसके आसपास जो भी है काफ़ी देवी देवता भी है, जैसे लोहारगल जी हो गया, शाकंभरी माता है। यहाँ तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने जो आपको जानकारी दी है खंडेला क्षेत्र में जो गढ़ को होटल में कन्वर्ट कर रखा है रायसल जी ने, और सच में एक बहुत अच्छे इंसान है रायसल जी। मैंने काफ़ी सारी बातें करी है उनके साथ और काफ़ी अच्छे इंसान है, और जो इन्होंने गढ़ को होटल में कन्वर्ट कर रखा है वो भी बहुत खूबसूरती तरीके से कर रखा है, क्योंकि काफ़ी सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उन्होंने अभी भी संभाल के रखी हुई है यहाँ पे। तो ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।